व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम साइलेंट लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं बहुत बार बहुत परेशान करते हैं बहुत सारे लोगों को, तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ आज से शुरू में कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो साइलेंट लेटर्स में हम पहला रूल देख रहे हैं आज। तो साइलेंट लेटर का पहला रूल ये है कि के जो लेटर है वो अगर शुरू में आता है किसी शब्द के और उसके ठीक बाद में, उसके जस्ट बाद अगर एन आ जाता है तो के जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, एक और बार सुन लीजिए अच्छे से। अगर किसी शब्द के शुरू में के आए और उसके ठीक बाद में एन आ जाए तो के जो है उसका जो बोलना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये रूल है इंग्लिश में। तो इसके लिए हम कुछ शब्द देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला शब्द है आज का K N O W। इसको आप क्या पढ़ेंगे? नो। ठीक है, के देखिए शुरू में है और उसके बाद N आ रहा है तो K जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बोलने में बिल्कुल उसको हटा दिया गया है। अगला शब्द है K N E E, नी, घुटना होता है ये, तो यहाँ भी मैं क्या बोल रही हूँ? नी, कनी नहीं पढ़ना है इसको। अगला शब्द है K N I F E, नाइफ, इसका मतलब होता है चाकू। तो आज मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसी रिलेटेड आप और बहुत सारे शब्द निकाल कर लिखें और अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको सही करूँगी। तो आज हमने इस के साइलेंट लेटर्स को सीखा। अगले वीडियो में और भी मैं रूल्स बताती रहूँगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।